आगे बढ़ेंगे खबर करनाल से, जहां पर छात्रों पर प्राइवेट स्कूलों का टॉर्चर लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, कलहेड़ी के यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि चार छात्रों का एक साल बर्बाद करने के आरोप यहां पर लगे हैं। छात्रों के पिता की शिकायत पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जबरन फीस वसूली के लिए स्कूल ने एसएलसी नहीं दी, जिससे छात्रों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में नहीं हुआ। स्कूल प्रबंधक ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है करनाल से, छात्रों पर प्राइवेट स्कूलों का टॉर्चर जो है लगातार जारी है। जहां एक और कोरोना महामारी, जहां महामारी तो इसी बीच लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी महामारी के बीच जारी है। तो आपको बता दें कि कलहेड़ी के यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर आरोप लगे हैं। आपको बताएं कि महामारी के बीच छात्रों और अभिभावकों के साथ निजी स्कूलों का टॉर्चर लगातार जारी है। करनाल के कलहेड़ी गांव स्थित यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर चार छात्रों का एक साल बर्बाद करने के आरोप लगे हैं। छात्रों के पिता सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र का आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के लिए स्कूल प्रबंधन ने उसके बच्चों को एसएलसी नहीं दी, जिसकी वजह से छात्रों का एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं हुआ और उनका एक साल खराब हो गया। अपनी शिकायत में सुरेंद्र ने निजी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तो लगातार इस तरीके की खींचतान जो है वो अभिभावकों और प्राइवेट स्कूल संचालकों में देखने को मिल रही है। लगातार इस तरीके की खबरें जो है सामने आ रही हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की ओर से जबरन फीस वसूली के मामले सामने आ रही हैं और अभिभावकों से जबरन फीस जो है यहां पर वसूली जा रही है।